all for joining the webinar. We welcome you, future global leaders at Career Universe, with our knowledge partner, Kodal Business School Jeff, an innovative and emerging business. Career Universe is a committed portal to help you to choose your career in various fields. Professor in Suresh Vyasa University, Jaipur. उनके थ्रू हम महिलाओं को एम्पावरमेंट भी दे रहे हैं, प्रोडक्शन हम लेते हैं और उनका प्रोडक्शन को बाय प्रोडक्ट बना के हम सेल कर रहे हैं। वेरी नाइस मैम, आपने ये काफी वुमेन को सोच के बहुत अच्छा मतलब स्टार्टअप उसके अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट किया। तो और आपको क्या लगता है मैम, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं अगर कोई बच्चा इस फील्ड को चूज करे या इस फील्ड में अपना फ्यूचर देखना चाहता है, तो वो इसमें जाकर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जाकर क्या क्या सीख सकता है और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है उसके पास? ओके मैम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई मतलब स्मॉल टॉपिक नहीं है ये। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब होता है एग्रीकल्चर के अंदर बिजनेस करना। तो वैसे भी हमारे देश में 70% लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, और देश में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखो तो सभी को फूड तो चाहिए ही चाहिए, खाना चाहिए ही चाहिए, और उस फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी है। और अब हमारी लैंड जो है कम होती जा रही है, जैसे कि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनकी जो लैंड होल्डिंग है लोगों की वो कम होती जा रही है। तो उसको देखते हुए हमें अब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। केवल जॉब करके हम पूरे देश को नहीं चला सकते। अगर 80% लोग जॉब करने लगे तो 20% के अंदर बाकी 10% तो कुछ काम नहीं करते, और 10% अगर फार्मर रह गए तो फिर हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से जूझेंगे कि हम लोगों के पास फूड भी नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो इसलिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अभी के जो इनोवेटिव बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही संभावना वाले एक प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आप ऐसे नॉर्मली, मैं आपको ऐसे समझाऊं तो आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को ऐसे देख सकते हैं कि इसके अंदर इनपुट और आउटपुट दो चीजें होती है। प्रोडक्शन लेने के लिए हम जो लगाते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और जो प्रोडक्शन आता है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो जो इनपुट है, तो इनपुट के अंदर हमारी इतनी अपार संभावनाएं हैं एग्री बिजनेस के अंदर। जैसे इनपुट के अंदर मान लीजिए, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे गेहूं की खेती हमें करनी है, वीट हमें प्रोडक्शन करना है, या फिर अभी गवर्नमेंट बार्ले पे ज्यादा ध्यान दे रही है। बार्ले पे इसलिए ध्यान दे रही है कि अभी पानी की कमी होती जा रही है। तो जैसे बार्ले की खेती आपको करनी है तो उसके लिए आपको इनपुट्स क्या क्या चाहिए, जितने भी इनपुट्स है उतनी ही कंपनियां हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, सबसे पहले मैं नाम लूंगी कि लैंड, तो लैंड अपने पास कम है बट जो भी है वहां पर। फिर सेकेंड चाहिए आपको लेबर, कहना चाहेंगे तो कम से कम भी अपने अपने इंडिया के अंदर 1000-2000 कंपनियां हैं सीड की, वो भी अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सीड नहीं दे पा रही क्वालिटी वाइज। अगर नए एंटरप्रेन्योर या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किए हुए बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां बना सकते हैं, अच्छी सीड की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब उसके अंदर जो हम न्यूट्रिशन डालते हैं, खाद डालते हैं, केमिकल फॉर्म में जो होता है उसको अपन फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो फर्टिलाइजर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कम से कम भी 2000 कंपनियां होगी जो हमें अभी काम कर रही है फर्टिलाइजर के ऊपर। तो अभी बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर नए नए फर्टिलाइजर लॉन्च कर सकते हैं, और जो कंपनियां है उनको भी एक अच्छे लोगों की जरूरत है जो अच्छा काम कर पाए इसके ऊपर। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। जैसे मैंने सिर्फ इनपुट के अभी एक दो एग्जांपल दिए, प्रोडक्शन के लिए कई सारे इनपुट है जिसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, कम से कम भी 1.5-2 लाख कंपनियां हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंदर। फिर अगर अपन आउटपुट की बात करें तो पहले इंडिया के अंदर इनपुट्स ज्यादा थे, इनपुट कंपनियां ज्यादा थी, बट अब जो कंपनीज है वो आउटपुट के अंदर भी बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए टोमेटो,
अब टोमेटो को आपको प्रोसेस करना है। इवन अब तो बाहर लेके आपने देखे होंगे बिस्किट बनने लग गए और बाहर लेके शरबत बनने लग गए। ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो बाहर ले से नहीं बना हो। जब से अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, पहले सिर्फ हम बाहर लेके चपाती खाते थे, इतना ही समझते थे कि बाहर लेके चपाती या खिचड़ी राजस्थान में बनाई जाती थी। अब आउट ऑफ इंडिया भी बाहर ले जा रहा है और उसकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि बाहर ले का जो प्राइस है, MSP है, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये चल रहा है। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ आपको कि जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है वो आने वाले समय के अंदर इसी का मतलब एक हिंदी में अपन कहेंगे कि इसी का जमाना है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को ही लोग प्रिफर करेंगे ज्यादा, और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से ही जॉब मिलेगी लोगों को। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से ही स्टार्टअप्स शुरू होंगे, बहुत सारे नए आइडियाज एग्रीकल्चर के थ्रू आएंगे। और अभी भी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पे हमें काम करना बहुत बाकी है, अभी भी रिसर्च में हम बहुत पीछे हैं। तो इन सब चीजों को लेके एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो फ्यूचर है वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अच्छा मैम, जैसे आजकल मिलेट्स भी बहुत चल रहे हैं, आजकल लोग मिलेट्स पे भी आ गए हैं, गेहूं वगैरह छोड़ के लोग ये खाने लग गए हैं बहुत। आपने भी जैसे बताया था पहले पैनल डिस्कशंस में, तो आजकल इसमें भी बहुत है। तो हमको रोज मार्केट और टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो मार्केटिंग ट्रेंड्स के साथ साथ भी इसके ध्यान में रखते हुए किस तरीके से, मतलब आपको लगता है कि इसमें आगे जाना चाहिए? जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, आप बिजनेस में आपने इसको कैसे मतलब लोगों तक पहुंचाया, कैसे प्रमोट करा। जी, मैं भी एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से पास आउट हूँ। मतलब मेरा भी जो MBA किया हुआ है मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, तो इसके थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिली कि हमें कोई भी प्रोडक्ट, देखिए आजकल लोगों को क्या है कि ज्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी लगती है कि मतलब प्रोडक्ट में आपने दिखाया क्या है, सामने प्रेजेंट क्या क्या है। तो एक तो क्वालिटी तो सेकंड मैटर है, पहले आपको प्रोडक्शन, ठीक है प्रोडक्शन हो गया आपका, मगर उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग के लिए आपको उसकी ब्रांडिंग, ब्रांड इमेज बनाना बहुत जरूरी है आपकी, कि इस ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग चैनल्स बनाने होंगे। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल, मतलब लोगों से बात करने का तरीका, आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी, उस पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पे आपको काफी वर्क करना पड़ता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जब मेरा ही प्रोडक्ट है, तो मेरे प्रोडक्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत ही छोटे छोटे पाउचेस बना के सेल करने लगी थी मैं। फिर बीच में ऐसा हुआ कि मेरे को जो पाउचेस थे उनको कम करना पड़ा और डिब्बे की जो पैकिंग थी उसको बढ़ावा देना पड़ा। फिर अभी वापस ऐसा आ रहा है कि सब पाउचेस पे वापस जाने लग गए। लोग सोचते हैं कि एक पाउच को खोला, गोला और पी लिया, तो वो एक वापस से मार्केट मार्केट स्ट्रेटेजी हमेशा अलग अलग चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप मैगी को ले लीजिए, पहले मैगी जो आती थी सेम टेस्ट मैगी का वही है जो पहले था, अभी भी टेस्ट वही है जो पहले था, बट उसमें जो चेंज हुए हैं वो चेंज ये हुए हैं कि उसकी जो ब्रांडिंग है, उसका जो पैकेजिंग स्टाइल है वो उन्होंने चेंज कर दिया। उसका जो एडवर्टीजमेंट का जो तरीका है, पहले उन्होंने बच्चों पे फोकस किया, फिर उन्होंने बड़ों पे फोकस किया, अब उन्होंने वुमेन्स पे फोकस कर लिया है कि आप मैगी खाइए। मैगी खाने से मतलब मैगी बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और आपका टाइम बच जाता है। तो इस तरीके के नए नए एडवर्टीजमेंट उन्होंने बनाए हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमेशा चेंज होती रहेगी और मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपने को चलना पड़ेगा। जैसा मार्केट होता है वैसा वैसा हमारे प्रोडक्ट में चेंज आता जाएगा। तो मेरा जो अमलदा ऑर्गेनिक्स का जो प्रोडक्ट है उसमें जो प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट दिया है, तो उसमें यूनिक बात यह है कि आपकी जो किडनी है वो कभी डैमेज नहीं होगी, और फैटी लीवर पे काम करता है, वो फैटी लीवर को कम करता है। और उसके अलावा उसका जो प्रोटीन है वो डाइजेसेबल प्रोटीन है। तो ये तीन चीज बहुत होती है किसी को भी देने के लिए। अगर डाइजेस्ट हो जाता है और अगर फैटी लीवर को कम करता है तो बहुत अच्छी बात है। हार्ट पेशेंट के लिए तो मशरूम ऑलरेडी कहा जाता है कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बेटर है ये। तो ये
और मैम मतलब और क्या इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आप बच्चों को देना चाहेंगे जो ये फील्ड को चूज करना चाहते हैं? मतलब जरूरी है उनका बैकग्राउंड इसमें होना चाहिए या फिर उनका इंटरेस्ट क्रॉप्स के बारे में पढ़ना, खुद का एग्री बिजनेस स्टार्ट करना, तो रिसर्च कितनी जरूरी है स्टार्ट करने के लिए? अब आज के जमाने में ये सब चीजें खत्म हो गई है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड कुछ मायने नहीं रखता है आज। अब आप देखेंगे तो बहुत सारे जो इंजीनियर है वो लोग अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर में होते हुए, फार्मर बैकग्राउंड में होते हुए फार्मिंग को अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो फार्मर के बच्चे हैं और वो अगर नहीं कर पा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपना इंटरेस्ट डेवलप किसमें है ये करना चाहिए। उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए, जिस काम को वो सबसे ज्यादा टाइम तक कर सके उसी काम को उनको एडोप्ट करना चाहिए। अगर आप काम को कर ही नहीं पाएंगे और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा एक दिन आते आते, तो फिर आप उस चीज को पीछे चल जाएंगे ना कि आगे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अपना इंटरेस्ट जानने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं। उनको 25 ईयर ओल्ड हो जाते हैं जब तक उनको पता ही नहीं होता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे जॉब करनी है। पहले वो 12th कर लेते हैं, उसके बाद 12th के बाद दोस्तों ने बोला वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, उसके बाद वो BSc कर लेते हैं, फिर वो किसी के कहने पे कि इसमें स्कोप ज्यादा है तो उस चीज को कर लेते हैं। और इस तरीके से वो लगभग PhD के पास होते हैं जब तक उनको पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, एक्चुअल में क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि बच्चों को हमें भी ये गाइड करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है वो चीज कीजिए। और फॉरेन के अंदर देखिए, हमसे फॉरेनर इसलिए बेस्ट है, मुझे करना है, बट हमारे पेरेंट्स जो है अभी का जो कल्चर है हमारे इंडिया का, वो शादी तक नहीं छोड़ते हैं कि शादी हो जाएगी तब बच्चे को बड़ा मानने लगते हैं। तो शादी होगी उसकी 25 में और फिर वो बच्चा कुछ मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि अब बच्चों को खुद को सोचना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और इसके लिए बहुत सारी मूवीज, जो आपने एक बहुत पुरानी मूवी है 3 इडियट जो मूवी है उसको आप देखिए, उसके अंदर इंजीनियर होते हुए भी फाइनल ईयर के बाद वो लड़का, खैर वो मूवी है, एक मूवी का एक एग्जाम्पल है, बट वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि फाइनल ईयर के बाद भी उसने अपना करियर चेंज किया और उस चीज में आया जिसमें उसका इंटरेस्ट था। जी मैम, इस बात पर तो मैं नहीं बल्कि आपके वेबिनार अटेंड करे बहुत बच्चे रिलेट कर पाएंगे इस सिचुएशन को। एंड मैम बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से इनलाइटिंग किया इस फील्ड के बारे में, बच्चों को बताया, बहुत अच्छी नॉलेज है इसमें आपको और आपका एक्सपीरियंस है बताया। मैम अपनी राय मतलब एंड से आप कुछ और गाइडेंस बच्चों को देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन गाइडेंस जो आपको लगता है जरूरी है इस फील्ड में, अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो उसको पहले से मतलब इतना जानना चाहिए, या आपने क्या देखा है और क्या गाइडेंस के लिए बच्चों को आप बताना चाहेंगे? और देखिए मैम, बच्चों को मैं केवल एक ही गाइडेंस देना चाहूंगी, वो उनका एक मूल मंत्र है कि किसी के बहकावे में, किसी के बोलने पे या किसी, कोई भी इन्फ्लुएंस करता है या फिर कोई जो मोटिवेशन स्पीकर सुन के, उनको कुछ नहीं करना है। बस उनको वही करना है जो उनको अच्छा लगे। जैसे हम एक, जब भी आपने सोचा होगा जब हम कभी डिसीजन लेने पे आते हैं, हम जब छोटे थे तो हम जब बच्चे थे तो हम क्या करते थे, डिसीजन लेने के लिए एक सिक्का ऊपर उछालते थे और उसका हेड और टेल देखते थे कि हेड आएगा तो ये करूंगा, टेल आएगा तो ये करूंगा। बट एक्चुअल में वो थिंक ऐसी होती है कि जब हम सिक्का ऊपर उछालते हैं तो जब सिक्का ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो हम सोच लेते हैं कि मुझे टेल मिलना चाहिए या हेड मिलना चाहिए, मगर हम सोच लेते हैं कि मुझे टेल ही मिलना चाहिए, मुझे ये काम में इंटरेस्टेड है। तो वो एक ऐसी चीज है। तो मैं बच्चों को ये बोलूंगी कि किसी के बहकावे में या पेरेंट्स के दबाव में, देखिए पेरेंट्स हमारा बहुत ही अच्छा सोचते हैं इसके लिए कोई डाउट नहीं है, बट वो जो सोचते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को समझ नहीं पाते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से कि हम क्या करना चाहते हैं। तो उस चक्कर के अंदर वो कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं और उनको एक मेंटली फ्रीडम नहीं मिल पाती उस काम को करने के लिए जो करना चाहते हैं।
तो बहुत बार फोर्सफुली वो अलग ट्रैक में लग जाते हैं, बट उनको धीरे धीरे अपना जो पसंदीदा काम है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और मतलब चाहे साइड जॉब भी करो आप अपने पसंद के काम की, पर वो करना चाहिए। उससे उनको एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो फुल टाइम उस काम को कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट डेवलप पहले अपने आप को सोचे, टाइम दें कि मुझे इंटरेस्ट किसमें है। फर्स्ट काम आपको यही करना है सारे स्टूडेंट्स को कि आपका इंटरेस्ट किस में है ये ढूंढना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि करना क्या है। और बाकी एक एक और चीज है कि जिस काम को आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहिए, उसको कभी भी ब्रेक नहीं करना। चाहे आप फेलियर हो, कुछ भी हो, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलती है। ये मेरा ऐसा विश्वास है कि सक्सेस आपको मिलती है। कुछ टाइम कुछ लोगों के लिए टाइम लगता है, कुछ लोगों को फास्ट मिल जाती है। ये एक अलग अलग जर्नी होती है सबकी, तो ये एक अलग चीज है सोचने की। बट सक्सेस सबको मिलती है, ऐसा कोई नहीं होता कि सक्सेस नहीं मिलती। से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से काम करना चाहिए और अपना खुद का एक डिसीजन लेना चाहिए। खुद का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट करा है बच्चों को एंड इस फील्ड के बारे से लेकर पर्सनल लाइफ के बारे में भी, जिस तरीके से वो जाना चाहते हैं। एंड आई होप स्टूडेंट्स को इसके बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो अपने चैट बॉक्स में यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मैम और हमारी टीम करियर यूनिवर्सिटी पर्सनली हम बच्चों को आंसर करेंगे इन टॉपिक्स पे, इन क्वेश्चन पे। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट हियर। वी हैव एंजॉयड द वेबिनार एंड हमको इनसाइट मिली जरूर इस टॉपिक के बारे में। And also students, Okay, see thank you you. for the next webinar. Thank you, mom. Thank you.